नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क मिस्ट्री में। तो इस वजह से हर मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहता है। मुसलमानों की जिंदगी का एक जरूरी काम है कि इस्लाम के पांच सिद्धांतों में से एक है, ये पांच या नमाज, सौम या रोजा, जकात और हज है। ये यात्रा हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार करनी जरूरी है। हालांकि हज करना हर मुसलमान के लिए बाध्यकारी नहीं है। हज काबा का तवाफ करके होता है, जो कि सऊदी अरब के शहर मक्का में है। दुनिया भर के लाखों मुसलमान हर साल वहां पहुंचते हैं। हज पूरा करने में 5 दिन लगते हैं, जिस दौरान कई रस्में पूरी करनी होती है। क्या होता है हज में? हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिल इल्हा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है, वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरी ईद। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उमराह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती है, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरी ईद के मौके पर होता है और उमराह साल भर में कभी भी किया जा सकता है। ऐतिहासिक नजरिए से हज की यात्रा 7वीं शताब्दी से शुरू हुई, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि ये पवित्र यात्रा हजारों वर्ष पहले हज के लिए मक्का मदीना पहुंच मुसलमान इस पवित्र स्थल के चारों ओर 7 बार फेरे लेता है, फिर अल सफा और अल मारवा नाम की पहाड़ियों के बीच आगे और पीछे की ओर चलता है। इसके बाद जमजम के कुएं से पानी पीता है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान यहां हज करने के लिए पहुंचते हैं। हज के दौरान कई रस्में निभाई जाती है, इनमें इरहाम बांधना, काबा का तवाफ, सफा और मारवा, शैतान को पत्थर मारना, जानवर की कुर्बानी, सिर के बाल मुंडवाना या कतरवाना शामिल है। दरअसल हर मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पूरी हज यात्रा के दौरान दुनिया भर से आए सभी मुसलमानों को ये याद दिलाया जाता है कि उन्होंने इस दुनिया में जन्म किसी लालच के लिए नहीं लिया है। खुदा बहुत रहम वाला है और सारी कायनात को अल्लाह तल्हा ने बनाया है और वही सबका मालिक है। इसके साथ ही मुसलमानों को बताया जाता है कि उन्हें पूरी दुनिया में किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सब लोगों को सच्चे मन से एक दूसरे के साथ रहते हुए खुदा को याद करते रहना चाहिए।